जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, लेट हो गया हूँ, मुझे पता है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, भैया आज आपने वीडियो नहीं बनाई, कोई लेट नाइट। तो भाई आज मैं बहुत बिजी रहा, स्कूल्स को कॉल कर रहा हूँ सुबह से ही, और आज वीडियो भी नहीं बनाई चक्कर में, और कल मुझे कुछ स्कूलों से मिलने भी जाना है, कल मैं शायद मेरठ चला जाऊँ स्कूलों से बात करने। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं, जैसे मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब कई सारे स्कूलों के बाद और कई सारी स्टेट्स के बाद अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्कूलों के ऊपर। तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए, मेहनत से खुश रहिए, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी सारे स्कूल ही ऑलमोस्ट ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे। और स्कूलों को भी बात पता है, एक्चुअल में स्कूल भी अपने एग्जाम के लिए प्रेशर में है, तो स्कूल इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं एग्जाम लेने की, स्कूल को पता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है, हमारा भी, पेरेंट्स का भी, आप सबका भी। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल डरिए मत, रिलैक्स रहिए और मेहनत करते रहिए, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि दोस्तों जो काम एथिकल होता है उसके लिए कोई रुकावट नहीं आती है, लेकिन जो काम गलत होता है उसके लिए बहुत रुकावटें आती हैं। तो बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल खुश रहिए, और जल्दी बहुत सारी खुशखबरी आने वाली हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सबके ऑनलाइन हो जाएंगे, बट हो सकता है हो भी जाएं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई पूरी मेहनत कर रहा है और पूरी जान लगा रखी है मैंने इस टाइम, आप सोच नहीं सकते, इतनी मेहनत मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करी जितनी मैं इस टाइम आपके लिए कर रहा हूँ। आपके लिए नहीं, आप अपने भाइयों और बहनों के लिए कर रहा हूँ, अपने आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने भाइयों बहनों के लिए कर रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, बस आपका प्यार चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ना आप लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, बस अपना प्यार और दुआएं दे देना, और क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्रेडिट भी नहीं देना मुझे, क्योंकि जो करता है ईश्वर करता है, ऊपर वाला करता है, अल्लाह करता है, वाहेगुरु करते हैं, जीसस करता है, जो करता है वो करता है भाई, हम कुछ करने वाले नहीं होते, हम कोशिश कर सकते हैं। और प्रेशर में है सरकार बहुत, मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप लोग अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाकर मुझे विदाउट फेस दिखाए, और अपना नाम नहीं बोलना उसमें आपको, और अपने स्कूल का नाम भी नहीं बोलना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, हम वो वीडियो बनाकर मैं डालता हूँ, फिर उसको मैं टैग करता हूँ शिक्षा मंत्री जी को, CBSE को भेजता हूँ। और ऐसा लग रहा है, मेरी आज बहुत सारी प्रिंसिपल से बात हुई है, बहुत सारे टीचर से बात हुई है, मेरे कई सारे दोस्त हैं स्कूलों के, उन्होंने बताया अनुराग बहुत प्रेशर में है स्कूल वाले, और इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि एग्जाम फटाफट खत्म कर लो, हालांकि वो उनको भी लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन पढ़ते रहना, क्योंकि मैं कोई देखो अपना वो बता रहा हूँ, मैं जो मैं बात करता हूँ लोगों से मुझे पता चलता है, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं वो जिद्दी होते हैं, वो कभी मतलब मानते नहीं है जब तक CBSE कोई ऑर्डर ही ना दे दे। लेकिन जैसे आज तमिलनाडु का हुआ, झारखंड का हो गया, सहारनपुर का हो गया, और बहुत सारी स्टेट का भी हो गया, उत्तराखंड का भी पता चल रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया उत्तराखंड का, कुछ यूट्यूबर्स ने बिना ऑफिशियल न्यूज़ की वीडियो बना दी है, बट जब मैंने पता किया उत्तराखंड का तो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया, तो ऑफिशियल न्यूज़ आ भी सकता है, उत्तराखंड के ऊपर भी प्रेशर बनाए हुए हैं। बस मेरा आपसे कहने का उद्देश्य यार, तुम लोग ना डरा मत करो भाई, भाई 5 साल बाद 10 साल बाद यार तुम हंसोगे कि तुम यार क्यों रोते थे कि भाई 9th का एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा या हम फेल हो जाएंगे। भाई कोई फेल नहीं होगा, पहली बात तो ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन एग्जाम कर देंगे, और अगर नहीं भी किया किसी स्कूल ने तो स्कूलों के ऊपर बहुत प्रेशर है, CBSE ने डांट खिला रखी है कि बच्चों को फेल मत करना। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी चले जाओगे ना, मेन मेन क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मेरी इंपॉर्टेंट की वीडियो सारी देखो, 9th की बना रहा हूँ, 11th की बना रहा हूँ, इस टाइम मैंने 10th 12th को बिल्कुल पीछे हटा रखा है, और वो बच्चे थोड़े नाराज भी हो रहे हैं इसलिए, लेकिन उनकी नाराजगी मेरे दिल में है, मेरे सर माथों पर है, उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उनके लिए बहुत सारी स्टेट की वीडियो आने वाली है और बहुत सारे मेमोरी मैप की वीडियो आने वाली है, लेकिन इस टाइम मेरा फोकस ज्यादा छोटे भाई बहनों की तरफ है, 9th 11th वालों की। तो बिल्कुल डरो मत, पढ़ाई करते रहो, ऑफलाइन भी अगर हो रहे हैं किसी के, कुछ स्कूल बहुत जल्दी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अनुराग लगा पड़ा है और अनुराग फोड़ेगा जरूर, तो जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहे हैं, ओ भाई जल्दी जल्दी ले लो, नहीं तो अनुराग पहुंच जाएगा भाई शिक्षा मंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी ताकत लगा रखी है, मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन, बहुत सारी प्रॉब्लम, रोजगार आंदोलन, बहुत सारे जो बेरोजगार भाई बहन है हमारे, वो भी आंदोलन करे हुए हैं कि रोजगार दो, तो नौकरी की समस्या तो हमारे देश में है ही है, ये तो आपको पता ही है, पॉपुलेशन इतनी हमारी 140 करोड़ लोग हैं, आज़ादी के टाइम पे हम 40 करोड़ थे, 140 करोड़ हो गए, 100 करोड़ बढ़ गए हम, तो देश छोटा ही है, जमीन तो बढ़ती नहीं है उतना ही है, खैर उसकी बात बाद में कभी करेंगे। तो भाई एक मेरा चैनल है द अनुराग त्यागी, जो अनुराग त्यागी डायरीज था वो द अनुराग त्यागी हो गया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, और बिल्कुल डरना मत, बस पढ़ाई करते रहो, और ज़्यादातर स्कूलों के एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे, इंशाल्लाह, इंशा महादेव, इंशा वाहेगुरु, इंशा जीसस, लव यू ऑल।